व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल IMS व्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है 10:39 और अभी जस्ट 5 मिनट पहले उठ गया तो भुजबल को कॉल करके वड़ा पाव बोल दिया, मुझे वड़ा पाव खाने थे सबको, तो वो लेकर आएगा अभी 5-10 मिनट में आ जाएगा। तो मैं जस्ट उठकर बाहर गया तो बाहर क्या इतनी प्यारी चीज देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितने प्यारे यार ये, चलो चलो कुछ 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 चल। वो डर गया मुझसे, अरे गिर गए, अंदर गिर गए। गाइस कितने प्यारे, ये तो रॉटवीलर जैसे ही दिखता है ये वाला। यू अरे आ गए सगे, आ गए भाई, कितने प्यारे। वो तो डर रहा है मुझसे, जैसे बाहर आ रहा हूँ वैसे डर रहा है। पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे आ गए यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन सुबह सुबह आ गए। लगता है रात में कोई छोड़ गया यहाँ पर। यार हमारे यहाँ पर ही क्यों छोड़ते हैं यार, मुझे इन्हें दूसरों को देखते हो क्या छोड़ते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आई एम अ ट्रूली पेट लवर, मुझे मतलब बिल्ली बिल्लियों के बच्चे भी यहीं पर छोड़ जाते हैं, कुत्ते के बच्चे भी यहीं पर छोड़ जाते हैं, लोग पता नहीं क्यों करते ऐसे। तो अभी भी जस्ट ये ओम आया था, यहाँ से जा रहा था तो उसने पपीज देख ले, तो उसने कहा कि मैं ले जाता हूँ एक। थैंकफुली भाई एक ले जा रहा है भाई, थैंक यू भाई तुम्हारा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी कहाँ पे छोड़े इन्हें, कहाँ पे रखे। तो ओम ने देखो कैसे है, कितना क्यूट है यार, कितना क्यूट दिखता है ये। तो ये लेके जाएगा, रोज 2-3 टाइम दूध देना, अच्छे से केयर करना। लगाओ लगाओ, कुछ नहीं करता, लगाओ हाथ लगाओ, देखो कुछ नहीं करता। चकली ये वाला लेके जा रहा है, सबसे क्यूट वाला, इसमें व्हाइट कलर की कॉलर भी है। चलो उसमें अच्छे से रख दो, मैं रख देता हूँ। तो ओम एक लेकर गया पपी, यहाँ का सबका नाम ओम ही है, मेरे सब दोस्त ओम के नाम से है। तो दे अभी तो एक यहाँ पर सोया है, एक है यहाँ पर, आ गया आ गया। बालू कैसे लगे तुम्हें पप्पीज? बहुत ही अच्छे लगे। अरे इतना क्यों शर्माती हो बालू, देखो देखा यहाँ पर एक बार। यार कितने प्यारे। तो ये वाला भी बहुत क्यूट है, तो वो वाला मुझे ज्यादा पसंद था, फोम ले जो लेकर गया ना, लेकिन ये वाला भी प्यारा है। सभी प्यारे है, सभी प्यारे एकदम। एक तो है पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक है, उसमें कुछ दाग नहीं है, कुछ नहीं। ये भी अच्छा है यार, ये थोड़ा एग्रेसिव है और वो वाला थोड़ा एग्रेसिव है, ये दोनों बीच बीच में थोड़े थोड़े भोंकते हैं। बाकी ओम जो लेकर गया वो शांत था, और दूसरा वो कालू है ना वो भी शांत है, कालो नाम रखा उसका, इसका गोल्डी नाम रखते हैं। रहेंगे एक एक दो एक ही दिन रहेंगे, फिर भी नाम रख दिया मैंने गोल्डी गोल्डी बिल्लू। मुझे तो इन्हें देखते लगा हो जाता है इनके साथ, ऐसा लगता है कि मैं सबको पाल लूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, नहीं इम्पॉसिबल नहीं लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल। चलो जाओ खेलो, जाओ भागो, ये टाइगर को नहीं भूलेंगे हम, टाइगर हमारा है ना, टाइगर तो बहुत प्याला है टाइगर। तो मैं फिलहाल हूँ भुजबल की दुकान पर, क्योंकि उसे आने में देर होने वाली थी, और इतनी देर तो मतलब वो 12 बजे आने वाला था, उससे काम था ना, तो इतना 12 बजे को तो खाना खाने का वक्त होता है, इसलिए फिर मैं आ गया वड़ा पाव खाने। भुजबल को भी लेके जाएंगे, आज भुजबल का खर्चा है। तो देखता हूँ, तो मेरे टी शर्ट आ चुके थे, मम्मी ने डिलीवरी ले ली, ये टी शर्ट करे थे ऑर्डर मैंने, एक था डेडपूल का और एक था सिंपल ब्लू कलर का, और मैंने ख्वाबे से मंगा है, ख्वाबे मतलब ऐसे इंस्टा की स्टोरी चेक कर रहा था, स्टोरी मैंने मतलब आगे की स्टोरी देखने के लिए स्वाइप अप किया, मतलब स्वाइप किया तो ऐड आ गई मुझे ख्वाबे की, और मतलब चेक करके देखा तो अच्छी क्वालिटी के टी शर्ट लग रहे थे मुझे, फिर यूट्यूब पे रिव्यूज देखे, फिर यूट्यूब के भरोसे पर मैं ले लिया। मैं दिखा दो पहन के, फिलहाल तो वड़ा पाव खा लेता हूँ, वड़ा पाव लेकर आएगा तो खाना तो पड़ेगा। ऐसे खाते हैं न्यूज़पेपर में,
नहीं तो सब तेलकट हो जाएगा। मतलब जब हम पुणे में नहीं रहते थे, यहाँ पर ही रहते थे ना हमारे गांव में, तो तब 7 स्टैंडर्ड तक मैं यहाँ पर था, फिर तो पुणे में चला गया। तो तब पापा हर संडे वड़ा पाव लाते थे हम तो। पर तब संडे को दिन नहीं रहता था हमारा, वीकेंड ना, तो इसलिए जाकर लेकर आते थे संडे को। बहुत मतलब याद है पुरानी, और टेस्टी भी लगता है बहुत ही वड़ा पाव, बहुत टेस्टी। ओम को राजिंग को भी वो बहुत पसंद आया। तुम्हें नहीं अच्छा लगता? तो छकुले को तो सुबह सुबह 8:30 या 9 बजे, 9 बजे ना, 9 बजे ही उठ के क्लासेस को बैठना पड़ता है। 9 बजे से 12, 2 बजे तक, 2 बजे तक क्लासेस होती है उसकी। छुट्टी है क्या आधे घंटे की? है ना, छुट्टी भी होती है इसे आधे घंटे की 2 बार। तो मैं वड़ा पाव लेने गया था ना, तो मम्मी पूछ रही थी कि इतनी देर क्यों हो गई। मैंने कहा कि वड़े गरम गरम बन रहे थे, मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं वहाँ पर वड़ा पाव खा रहा था। भुजबल ने, भुजबल पार्टी दे रहा था, ऐसे ही भुजबल ने खिला दिए, तो मैं खा रहा था, मैंने बताया नहीं, इसलिए देर हो गई। अभी वीडियो देखने के बाद उसे पता चले जाएगा, अभी तो नहीं बताया। अभी बताया कि गरम गरम वड़े तल रहे थे, गरम गरम निकल रहा था वो। ऐसे तीनों सो गए थे, मैं बाहर आ गया ना, तो इसलिए वापस से उठ गए, खेलने लगे। अभी हवा घूम रहे, इसमें से एक कम हो गया, अच्छा हुआ कि उसे किसने अडॉप्ट कर लिया। तो अब बारी है मेरी टी शर्ट अनबॉक्स करने की। अनबॉक्स नहीं, अनरैप, क्या बोलते हैं इसे जान दो। वैसे कलर्स अच्छे हैं ना, रेड ये ब्लू। तो ऐसी कुछ पैकेजिंग है इनकी, मैंने क्वाबे से मंगाया है। पहले ब्लू वाला अनबॉक्स करते हैं, फिर अनरैप करते हैं। पैकेजिंग तो प्रीमियम क्वालिटी की है। बड़ा साइज तो नहीं चाहिए, तो ये कुछ ऐसी है पहली टी शर्ट मेरी, देखो। तो बाद में पहन के दिखाऊंगा ये आपको, जो कि बहुत बड़ी है। मीडियम साइज की मंगाई थी मैंने, मुझे तो बहुत बड़ी लग रही है। ये रही डेडपुल वाली, मुझे शायद बड़ी हो गई, मुझे लगता है बड़ी है, क्योंकि मुझे मीडियम साइज आता है ना, लार्ज नहीं आता। लेकिन ये इसकी मीडियम साइज तो बहुत ही बड़ी है। रुको मैं आपको पहन के ही दिखाता हूँ। बाहर वेट कर रहे हैं, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम कॉलेज में जा रहे हैं। सो मैं तो टीसी निकलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर भीड़ देखो कितनी हो गई है। इस भीड़ में मैंने कहा कि आज तो नहीं होगा भाई, कल आते आराम से। सो अब 2 बज चुके हैं और हम 12 बजे आ गए थे यहाँ पर। बहुत देर लग गई हमें यहाँ पर, इतनी देर मतलब इतनी ज्यादा भीड़ हो गई ना अंदर, क्या बताओ, सब जने जने हो गए। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमें वेट करना पड़ा, मतलब काम ही नहीं हो रहा था। सिर्फ एक रिजल्ट निकलना था और टीसी निकलना था, इसलिए मेरी देर हो गई। तो फिलहाल हम आए थे यहाँ पर चाय पीने के लिए। आज हमारे दोस्त मुगले की तरफ से पार्टी चाय की, बहुत दिनों बाद मिला है ना इसलिए। सो अब 3 बज चुके हैं और हमें करेक्ट 12 बजे घर से निकला था स्कूल का काम करने के लिए, इतनी देर लग गई ना, चल लगा। तो अभी टाइम हो रहा है 6:15 और मैं अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले सो के उठा, आया तो सो गया था। तो बाहर एक दोस्त आए थे मिलने, तो उसने आवाज़ दी तो उठ गया। तो फ्रेश वगैरह होके अभी एक बनाना खा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी भूख लगी है ना। पता नहीं क्यों सुबह से मेरे यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। सो ये पता नहीं क्या चीज़ है, हमारे गेट के अंदर आ चुकी है। देखो चींटी खा रही है, उसे खाने रही, देख रही है। हो गया। तो अभी 8:15 हो चुके हैं और मैंने सुबह से मेरा फोन चार्ज भी नहीं लगाया, तब सिर्फ 5% चार्जिंग बाकी है मेरे फोन में, तो जल्दी से लगा देता हूँ चार्जिंग। वैसे ये टी शर्ट मुझे बहुत सूट कर रहा है, और वो वाला भी, दोनों कलर मुझे बहुत अच्छे लगे, टी शर्ट भी काफी अच्छे हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे।